नमस्कार दोस्तों स्वागत है दोस्तों आज मैं बुधवार को गणेश जी का एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि गणेश जी की आपके विवाह में आने वाली सारी समस्याओं को सारे विघ्नों को दूर करेंगे दोस्तों इस उपाय को माँ कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन यह उपाय उसी घर में होना चाहिए जिस घर में उसके विवाह होने वाला हो या जो बच्चे के माँ बाप का घर हो दोस्तों शुक्ल पक्ष के दिन या फिर गणेश चतुर्थी के दिन यह उपाय प्रारंभ करना है और यह उपाय चालीस दिनों तक लगातार करना है अगर किसी स्त्री को पीरियड है तो वह इतने दिन मानसिक पूजा करे यानी कि जो पार्ट मैं बता रहा हूँ वह मन ही मन करे सिर्फ गणपति जी की या फिर दिए को स्पर्श न करिएगा दोस्तों आपको गणेश जी की मूर्ति अपने घर पर लानी है आपको बुधवार को गणेश जी की मूर्ति मंदिर में जाकर पंडित जी को देकर आनी है फिर अगले बुधवार को वापस अपने घर में गणपति जी की मूर्ति लेकर आनी है बुधवार के दिन सुबह स्नान करके सुबह पीले वस्त्र या हरे वस्त्र धारण करके उसके पश्चात आप अपने घर में एक चौकी बनाइए उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए एक कलश भरकर रख दीजिए और एक कटोरी में हरे रंग की साबुत मूंग रख दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए पीले रंग का फूल रख दीजिए शुद्ध घी का दीपक रख लीजिए कुमकुम रख लीजिए यह तैयारी आपको अपने घर से ही करके जानी है फिर वापस से मंदिर में जाकर जहां आप अपने गणपति रखा है पंडित जी से मांगकर ओम गंग गणपति नमः मंत्र बोलते बोलते और गणेश जी को ढककर प्रेम से अपने घर लेते आना है और जो कटोरी में आपने मूंग रखे थे उसमें गणपति जी को आप स्थापित कर दीजिए अब हमें संकल्प लेना है संकल्प लेने के लिए हाथ को गंगा जल से धोना है फिर उसमें थोड़ी सी चावल रख दीजिए फिर पीले फूल रख दीजिए फिर उसे मुट्ठी से बंद कर दीजिए फिर आपको हाथ पर पीले रंग का धागा सात बार घुमा फिर मौली भी कहते हैं उसे बांधना है अब आपको संकल्प लेना है कि मेरे विवाह में जितने भी बाधा आ रहे हैं जितने भी विघ्न आ रहे हैं उन सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर करें मैं आपके शरण में हूँ इसके बाद आप दिया जला दीजिए फिर फूल चढ़ा दीजिए गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइए उसके बाद आपको गणेश स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन एक ही बार करना है फिर आरती कीजिए फिर उस भोग को पहले आप स्वयं खाइए फिर अपने परिवार को भी दे सकते हैं दोस्तों यह पूजा आपको 40 दिनों तक लगातार करना है दोस्तों यह उपाय आपको सच्चे मन और श्रद्धा से करनी है फिर गणेश जी आपके सारे दुख विघ्नों को दूर कर देंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह उपाय अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जय गणपति बापा